refer to a collection of person, animal or a things taken together as one unit or a group. Collecting noun kya hai? Ek collection group hota hai na jo person ka hota hai, animal ka hota hai, thing ka hota hai. Jab uska ek group ban jata hai to usko hum special name de dete hain aur usko hum bolenge collective noun. Ab yahan pe aapko ek example mein picture dikh raha hai. Isme kitne kya hai? Sab students hai. और वो कहाँ पे है? क्लास में. तो इसका कलेक्टिव नाम क्या है? क्लास. और ये ग्रुप किसका है? स्टूडेंट का. ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का क्या होगा? क्लास. ऐसे ही हॉर्स है वो कैटल का ग्रुप है. बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का जो ग्रुप है उसको हम बंच बोलते हैं. नाउ द वर्ड क्लास स्टैंड्स फॉर अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स. क्लास जो है वो किसके लिए हुआ? कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स का जो कलेक्शन हो गया, ग्रुप बन गया, उसको हमने क्लास नेम दिया है. द हर्ड स्टैंड्स फॉर अ कलेक्शन ऑफ कैटल. जो कैटल का जो ग्रुप है उसको हर्ड नाम दिया हुआ है. वैसे ही जो कलेक्शन ऑफ क्रैब्स है, क्रैब्स का जो यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है उसको हम बोलेंगे पंच. नाउ एक्सरसाइज ई, ट्रेस ऑल द डॉटेड लाइंस एंड जॉइन द कलेक्टिव नाउंस विद द पीपल और थिंग्स दे स्टैंड्स फॉर. यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन दी हुई है, आपको उसको साइड जॉइन करना है, आपको फाइंड करना है कि कौन से ग्रुप को क्या नाम देते हैं. फर्स्ट दिया हुआ है लाइब्रेरी. अगर आप लाइब्रेरी की डॉटेड लाइन को जॉइन करोगे तो यहाँ पे आप आओगे तो वो क्या है? बुक्स. यानी कि जो बुक्स का जो कलेक्शन है उसको बोलते हैं लाइब्रेरी. नाउ कीज का जो कलेक्शन है उसको हम बोलेंगे बंच. फिर हैप, स्टोन्स का जो कलेक्शन है उसको हैप. टीम, जितने सारे प्लेयर्स होते हैं उसको एक ग्रुप बन जाता है उसको हम नाम देंगे टीम. और कार्ड्स का जो ग्रुप है उसको नाम दिया हुआ है पैक. सम मोर कलेक्टिव नाउंस. यहाँ पे आपको और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं. अ क्राउड ऑफ पीपल, अगर पीपल एक साथ एक जगह पे ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्राउड. अ फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, बर्ड के जो ग्रुप होते हैं उसको बोलेंगे फ्लाइट. अ पिल ऑफ अ बुक, जो बुक्स का जो ग्रुप है उसको पिल बोलते हैं. अ स्वार्म ऑफ बीज, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ प्राइड ऑफ लायन, अ लिटर ऑफ पपीज, अ आर्मी ऑफ सोल्डर, अ बैंक ऑफ रबर, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ बंडल ऑफ स्टील, अ पैक ऑफ वर्ड्स. ये जो सारे नेम्स है कलेक्टिव नाउंस के, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं. ये जो सारे क्राउड ऑफ पीपल, ये जो लाइन्स दी हुई है वो आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है. नाउ राइट द कलेक्टिव नाउंस फॉर द फॉलोइंग. जो कैटल्स का जो ग्रुप है उसको हम क्या बोलेंगे? आपको यहाँ पे दिया हुआ है कैटल का जो ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं हम? हर्ड. ओके, ना वॉक्स का जो ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं? पैक. शीप का जो ग्रुप था उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक. आपको इसके आंसर्स यहाँ से मिल जाएंगे. आपको सर्च करना है उसके आंसर, यहाँ पे लिख के एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करना है. नाउ एक्सरसाइज सी, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द कलेक्टिव नाउन फ्रॉम अमंगेस्ट दोस यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड. आपने जो अभी चैप्टर में आगे पढ़ा उसमें से आपको ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करना है. डीप इन साइड द वाइल्ड लाइफ स्ट्रक्चर ही बस पास अ डैश ऑफ लायंस. लायंस का जो ग्रुप था आपको यहाँ पे दिया हुआ है. लायंस के ग्रुप को हम बोलते हैं प्राइड. तो आपको यहाँ पे प्राइड लिखना है. ऐसे पूरा एक्सरसाइज 1 to 12 आपको कंप्लीट करना है टेक्स्ट बुक में और आपकी नोटबुक में भी नोट डाउन करना है. थैंक यू.